अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं कर रहा हूँ न्यू वीडियो स्टार्ट। मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। माशाल्लाह दोस्तों, ये आप लोग देख रहे हैं, ये है दाल। दाल का मतलब ये मूंग है, मूंग, देसी मूंग, ठीक है ना, जिसको उर्दू में कहते हैं दाल, मसूर की दाल। तो अब मैं जा रहा हूँ आगे, आपको सब्ज़ी दिखाता हूँ, जो न्यू सब्ज़ी बीजी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दूसरी बात ये है कि नहर का सिस्टम ऐसा बन चुका है, अब इंशाल्लाह नहर का पानी ख़त्म भी नहीं होगा, मुकम्मल टैट होगा। टैट का मतलब जैसे पहले होता था, एक हफ़्ते आता था, एक हफ़्ते गुम, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला लगातार नहर का पानी हमारे लिए मैसर होगा। क्यों? क्योंकि इसका सिस्टम चेंज कर दिया गया। तो आप जाते हैं सब्ज़ी की तरह, मैं आपको सब्ज़ी दिखाता हूँ। तो प्याज भी देखते हैं उनका क्या सूरत हाल है, तो घास भी देखते हैं, सब्ज़ी भी देखते हैं। चलो भाई जाते हैं, देखते हैं। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप लोग ये देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, घास तो माशाल्लाह टैट हो रहा है। तो इस तरफ आज जो है ना, सब्ज़ी को भी पानी दे दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा सब्ज़ी आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह। तो मैं आपको पता है मैं गया था काम पर, तो अभी ईजी होके आ गया हूँ इधर। माशाल्लाह ये सब तेल है। तो आप जाते हैं कपास देखते हैं, तो उधर जाके घास भी देखते हैं। आपको पता है मैं तो इधर नहीं होता घर, जिसकी वजह से काम वगैरह, पानी वगैरह लगाना, तो आपको पता है इजीली इजी होता है, लेकिन इतना इजी नहीं होता। सर्दियों में जो है ना इजी नहीं होता, गर्मियों में इजी होता है, क्योंकि गर्मियों में पानी में मतलब आपको पता है पानी तो ठंडा होता है। गर्मियाँ आज आपको पता है 50 सेंटीग्रेड पे था, कहाँ जाएँ, जिसकी वजह से सब लोग परेशान थे गर्मी की वजह से। चलो बड़े तो बर्दाश्त कर लेते हैं, जानवर हो गए, बच्चे हो गए, इनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है गुजर बसर करना। ये इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद सब्ज़ी निकल आएगा, आपको क्लियरली नज़र आएगा। तो माशाल्लाह इधर जो है ना, न्यू घास के लिए हाल वगैरह लगा दी गई हैं अपने जानवरों के लिए। आज माशाल्लाह इधर जो है ना, अपने ज्वार को भी पानी पिलाया, आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही है। इसको अपना खाद वगैरह भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो इधर भी खाद वगैरह दी है इसको, ये घास को, ये घास, ये जो है ना बकरियाँ इसको शौक से खाती है माशाल्लाह। बकरियाँ पालना सुनत है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी अपनी बकरियाँ हैं, ये बकरियों के लिए, ये बड़े जानवरों के लिए, भैंसों के लिए। तो आज माशाल्लाह दोस्तों कपास को भी पानी पिलाया, आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह, कपास अल्हम्दुलिल्लाह चरियों के जो है ना ऊपर निकल रहा है, ये आप खुद अंदाज़ा लगा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चरियों को बिल्कुल ऊपर क्लियरली नज़र आ रहा है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कपास तो बिल्कुल निकला हुआ है, आप लोग देख रहे हैं टैट। आज जो है ना इसको पानी भी दे दिया गया, अभी तक पानी इधर ठहरे हुए, ये आप लोग देख रहे हैं प्लेटें अभी तक इधर हैं, दूसरे रकबे पर अभी नहीं लेके गए, उधर लेके जाएंगे जो है ना, फिर ये अब कम्प्लीट हो गया, ठीक है ना। अब या मेरे ख्याल में शाम तो हो गया, अब किसी भी टाइम उधर लेके जाएंगे इनको। तो देखिए माशाल्लाह सब्ज़ा, आप देखें हर तरफ अब सब्ज़ा होगा इंशाल्लाह ताला। पहले आपको गंदम का सब्ज़ा मैं दिखाता था, अब मैं आपको दिखाऊंगा घास वगैरह का और जो है ना कपास का इंशाल्लाह। आप लोग देखें खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। इस तरफ माशाल्लाह गन्ना उगा हुआ है, कमान जिसको कहते हैं, आप लोग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज मिर्चें जो है ना अभी आपको नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि गन्ना जो है ना मज़ान हो चुका है, गन्ना जो है बड़ा हो चुका है, आप लोग खुद देखें अंदाज़ा लगा माशाल्लाह। अब जो है ना क्लियरली आपको इधर कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अली मेरे ख्याल में आप इनका जो है ना आखिरी स्टेज है, हाँ ख़त्म हो जाएंगे ना ऑटोमेटिकली, हाँ अब हाँ गर्माइश की वजह से ये ख़त्म होते जाएंगे। अब इनको जो है ना इधर से मतलब इनका इनकी चुनाई हो रही है, इनको इधर लेके शहर की तरफ माशाल्लाह जा रहे हैं। तो अब अली आ गया था, अली को मैंने वैसे बुलाया था, मैं आ जाए आपकी कॉल आई थी, लेकिन मैं शायद उस टाइम रेस्ट कर रहा था, जिसकी वजह से मैं कॉल अटेंड नहीं कर सका। मैं आया अली के पास, अली ने बोला नहीं मैंने वैसे कॉल किया, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात भी नहीं है। अब आपको दिखाने जा रहा है कपास, इधर सूरज भी गरूब हो रहा है, चलते हैं देखते हैं कपास। तो माशाल्लाह दोस्तों इस टाइम मैं आपको ले आया हूँ कहाँ, कपास के पास। ये देखें अभी कपास छोटा है माशाल्लाह, इसके टींडे देखें आप, अली क्या बात है यार, ये देखें माशाल्लाह ये तो लदा हुआ है, इसकी चुनाई कैसे होगी यार। ये मजदूर जो होंगे ना उनका तो मेरे ख्याल में कमर भी थक जाएगा इनको, इनकी चुनाई करते करते। ये देखो माशाल्लाह कपास तो माशाल्लाह वैसे बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका जो है कद बिल्कुल छोटा है, पता नहीं अब उसका क्या होगा। मेरे ख्याल में इसको यूरिया वगैरह देंगे, ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगा।
तो अब हमें इधर वीडियो का करूँ एंड इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट न्यू वीडियो से। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।